Hey guys, welcome back to my channel. This is the new vlog. तो see Yonu अपनी जगह पे देखो कैसे फेवरेट प्लेस के ऊपर प्ले कर रहा है और मोक्षी अब से अपनी नानी के साथ प्ले कर रही है हाइड एंड सीक. मोक्षी खेल रही है, मैं इसको पकड़ रही हूँ सो दैट कि ये गिर ना जाए. बट इसको होता है कि बस मुझे छोड़ दो अकेले. कल ये बहुत बार गिरी है. चलो बात करो. नानी के साथ खेल रही है, नानी को अपने जैसे बनाया हुआ है, छोटी सी बच्ची. और कल है मोक्षी का कंपटीशन. शी कल अपने कंपटीशन में डांस कर रही है. शी पार्टिसिपेट इन डांस. ओ कहती हूँ निको एक खेड़ खेड़ी जाओ. ओ मैं आपको इसी वीडियो में शो करूँगी कि वो कैसे डांस उसने लर्न किया है. वो अपने सर से कोचिंग लेती है, उसका डांस टीचर जो है वो घर पे आता है मोक्षी को सिखाने. नाउ शी इज क्राइंग बिकॉज अब नानी हो गई है टाइड. नानी ने बोला कि मैं नहीं खेल रही, तो बस शी इज क्राइंग कि क्यों नहीं खेलना. ये देखो योनू इतना बड़ा हो गया है कि मेरे जो बाल है वो नोच रहा है. और क्या है वो शैतान हो गई है योनू आगे से. और मोक्षी जो है वो बहुत स्टबन हो गई है. और मोक्षी ने कितने सारे वो खाए हैं किंडर जॉय, वो आपको मैं बताती हूँ. कितनी किंडर जॉय खा खा के अपने बहुत सारे जो टॉयज है वो कलेक्ट किए हैं. मोक्षी दिखा अपने टॉयज किंडर जॉय के. देखो इतनी सारी मोक्षी ने जो है वो खाई है किंडर जॉयज. बट इसमें से जो टॉय निकलते हैं स्मॉल स्मॉल से वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो मैंने इनके सभी टॉयज को रखा हुआ है सो दैट कि जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको इसको दिखाएंगे कि तू कितनी किंडर जॉय खाती थी. और ये देखो इसमें डॉल बड़ी अच्छे अच्छे से टॉयज निकलते हैं. ये साथ इसलिए नहीं प्ले करने देते क्योंकि ये बहुत 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 ही स्मॉल स्मॉल से है, तो योनू इसको आसानी से मुँह में डाल लेती है. और कोई भी उसके जैसे उसके परसों ना उसके मुँह में एक लग गया था, तो बस दिस इज़ द रीज़न कि योनू को हम इसके साथ क्यों नहीं प्ले करने देते. बट योनू इसके साथ प्ले करके बहुत खुश होती है. उसको इन सभी और देखो स्कैटर करने में इसको बहुत मज़ा आता है. और मोक्षी इज़ क्राइंग कि वाई नानी इज़ नॉट प्लेइंग विद हर. तो शी ऑलवेज क्राइंग, शी ऑलवेज क्राइंग है ना. तो मैं आपको इसको मना के इसका डांस दिखाती हूँ कि जो इसने कल करना है कैसे करती है. राजस्थान की तपती धूप में खुद को दबाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं. घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहा आसान है, पर सच तो ये है घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है. See you.
से निकल के खून कहे आपको ये वाला मेरा आज का छोटा सा व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।